नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। दिल्ली से सटे नोएडा में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर को धराशायी कर दिया गया है। दोपहर 2:30 बजे हरा बटन के दबाते ही सीरियल धमाके के साथ करप्शन के दोनों टावर ध्वस्त हो गए। आपको बता दें कि कुतुब मीनार से भी ऊँचे गगनचुंबकी ट्विन टावर को एक्शन और धमाके के साथ कुछ ही सेकेंड में जमींदोज कर दिया गया। नोएडा के सेक्टर 93A एमराल्डो कोर्ट, जहां यह टावर स्थित था, उसे सील करा दिया गया है। वहीं DCP के मुताबिक करीब 560 पुलिसकर्मी, रिजर्व फोर्स के 100 लोग, 4 क्वींस रिस्पांस टीम के NDRF की टीम के साथ तैनात किया गया था। इसके अलावा इंस्टेंट कमांडो सेंटर से 7 CCTV कैमरे लगाए गए थे। ध्वस्तीकरण से पहले की तस्वीर और ध्वस्तीकरण के बाद की तस्वीर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वह महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के पहले स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी इस विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय के 1 साल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि 1 वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपने संस्थापकों के भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के निर्माण को एक नई गति दी है, वह अत्यंत सराहनीय है। एक वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए जिस सुगमता सहजता के साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के निर्माण को एक नई गति दी है, वह अत्यंत सराहनीय है और मैं इसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बदायूं के नगर पंचायत आलापुर में कार्यकर्ताओं ने बरात घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुना। वहां भाजपा जिला महामंत्री शारदा कांत ने बूथ संख्या 318 पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात को सुना। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगरवासियों को भी PM की मन की बात सुनने के लिए प्रेरित किया। फर्रुखाबाद में महिला चिकित्सक की शर्मनाक हरकत सामने आई है। महिला चिकित्सक ने COCT के साथ अभद्रता करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं महिला चिकित्सक के दुष्कर्म पीड़िता पर मेडिकल परीक्षण करने से इनकार कर दिया तो महिला चिकित्सक ने अपने समुदाय विशेष के आरोपियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयार दिखी। वो COCT और अन्य पुलिसकर्मियों की विनम्रता से अनुरोध करने के बाद भी महिला चिकित्सक चीखती हुई नजर आई तो वह महिला चिकित्सक की इस करतूत को पत्रकार अपने कैमरे में कैद कर रहा था। ये मामला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में लोगों को एक महिला पेड़ पर चढ़ी हुई दिखाई दी, जिसके बाद लोगों का हुजूम मौके पर इकट्ठा हो गया और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया और महिला को पेड़ से उतरवाया। आपको बता दें कि महिला मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। कैसे उतारा गया उसे? सर, पुलिस महकमा और क्या कहते हैं नगर निगम की गाड़ी द्वारा उतारा गया। कितनी देर ये रेस्क्यू प्रोग्राम चला? 3-4 घंटे लगभग। जब पता चल पाया कौन थी महिला, क्या स्थिति, क्यों चढ़ी? महिला की मानसिक क्या कहते हैं थोड़ा विकृत थी। तलवी क्या कहते हैं प्रताप विहार में कहीं पर पेड़ पर वो चढ़ गई थी, जानकारी मिली है। आज क्या कहते हैं यहाँ पर चढ़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं पेड़ पे चढ़ी हुई महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है, जिसको नीचे उतारने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में लोग एक महिला पर पेड़ पे जब चढ़ी हुई दिखाई दी तो उसके बाद लोगों का वहां पे हुजूम लग गया।
मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया और महिला को पेड़ से उतरवाया। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। मारुति नगर कॉलोनी में पानी भरने की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, तो वहीं मकान छोड़कर जा रहे हैं। लोगों को घर में रखे सामान के चोरी होने का डर है, जिसको लेकर यहां के लोग बहुत परेशान हैं। तो उधर प्राइम टीवी संवाददाता आफताब आलम ने मारुति नगर का जायजा लिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कम से कम मेरे ख्याल में 5,000 से कम नहीं होगा। ये पूरे इलाके चार पांच ये सब नगर है, वैष्णो नगर, रत्नाकर विहार, मारुति नगर, और 5,000 के घर में पानी चला गया होगा। काफ़ी हाँ, सिर की तरफ भी जा चुका है काफ़ी इलाके में। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है कुछ तो। एक तो ऐसा है कि रोड जो है अभी तो देखिए थोड़ा सा अभी ऊपर वाले में नहीं गया है, लेकिन रोड पर पानी कम से कम 5 फुट हो गया होगा। तो घर तो लोगों ने सब बना लिया है, लेकिन अभी ये रोड सब खाली है, घर में पानी भी नहीं गया हो, बहुत लोगों का नहीं गया है, लेकिन निकलना तो रोड से है, तो रोड काफ़ी नीचा है। वाराणसी में गंगा पूरे रौद्र रूप के साथ बह रही है। लंका छत के सामने घाट मारुति नगर कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि हजारों मकान के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कुछ लोग अपने घर को छोड़कर पलायन कर चुके हैं, तो कुछ लोग अभी पलायन कर रहे हैं। गंगा और वर्णा के किनारे बसे लोगों के लिए बाढ़ का दंश नियति बन चुकी है। तकरीबन हर साल अगस्त और सितंबर के लिए आफत लेकर आता है। दिनचर्या, रोजी रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ ठहर सा जाता है। मोहल्ला गलियों में पानी भर जाने की वजह से लोगों का जो है हैंडपम्प वगैरह सब डूब जाता है, जिसके वहीं बिजली भी काट दी जाती है। यह कठिन समय से लोग गुजरते हैं। ऐसे में लोग जो है ठिकाना या तो ऐसे में लोगों का ठिकाना या तो गांव है या किराए का मकान या फिर राहत शिविर होता है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अगर घर छोड़कर जाते हैं तो घर के सामान की सुरक्षा कौन करेगा, कहीं चोरी ना हो जाए, इस बात की चिंता लोगों को सताया करती है। वाराणसी से कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ आफताब आलम, प्राइम टीवी, वाराणसी। सिद्धार्थनगर के तिलोकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने एक युवक पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद महिला ने थाने में तहरीर कर पुलिस को मामले की जानकारी दी। इस पर एसओ तिलोकपुर ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर मिली है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। हम घर में खाना बनावत रहे, हमारा आदमी पंचायत घर पर काम करत रहे, इतना में यहाँ छेड़छाने करी, हमारा हाथ पकड़ कर खींचे लागे, हम गुहार करें, सब लोग दौड़ का आए। कौन छेड़छाड़ कर रहा था? अनूप वर्मा। तो थाने पे आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ, मारपीट भाई गवाह है, कौन मारी है, मोड़ फोटे गवाह सकता। गांव कौन सा? सिंगारजीत। क्या मामला है? मामला है नैनमती नाम की एक महिला है, उसको अनूप वर्मा उसके घर में जाके उसको जबरदस्ती खींच रहा था हाथ पकड़ के। उसके घर में उसका हस्बैंड नहीं था, और वो जब गुहार लगाई तो हम लोग दौड़े उसको बचाव करने के लिए। फिर उसके फैमिली वाले आ गए अनूप के, और सब लोग मारपीट करने लगे, और अनूप ने मुझे अद्धा उठा के मार दिया। तो एप्लीकेशन थाने पे दिया आपने? जी, अभी एप्लीकेशन दिया था। हमीरपुर के यमुना और बेतवा में भयंकर बाढ़ के बाद बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। साथ ही रेस्क्यू कर बाढ़ पीड़ितों की राहत शिविर में भेजने का सिलसिला जारी है, जहां पर जिला प्रशासन ने खाने पीने और रहने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन के द्वारा यहाँ हर पहलू को देखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। जिस विभाग से संबंधित जो भी सेवाएं हैं उनके विभागीय अधिकारियों को यहाँ पर लगाया गया है, और वो विभागीय अधिकारी अपने विभाग की संपूर्ण व्यवस्था स्वयं देख रहे हैं, ताकि कहीं पर कोई कमी न रह जाए। हम लोगों ने पिछले वर्षों में भी जो लोगों ने कमियां बताई थी उनसे सबक लेते हुए इस बार बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास किया है, और हमारे जो भी अन्य अधिकारी हैं वो सभी जितने भी हमारे शरणार्थी यहाँ पर सबसे पूछते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उसको दूर करते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।